नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो आइए शुरुआत करें आपके अपने शो जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। आज के शो में हम आपको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल की दो तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें 22 जुलाई को डिलीवरी के लिए आई महिला हॉस्पिटल के गेट पर ही डिलीवरी के लिए तड़पती रही। दूसरी तस्वीर होगी डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला और बच्चे दोनों की, जिनकी मौत हो गई। अस्पताल में किसी की डिलीवरी नहीं होती और जिसकी होती है उसकी मौत हो जाती है। ऐसा लापरवाही, फोन नंबर्स लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अपनी राय आप हमें फोन करके दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कहां पर खामी है, क्या सरकार के पास दुरुस्त नीतियां नहीं है, या फिर जो नीतियां बनाई गई हैं उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। और मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब आदमी एक उम्मीद के साथ सरकारी अस्पताल जाता है, वहां पर जो चीजें सामने उसको फेस करनी पड़ती हैं वहां पर दिक्कतें आती हैं। और जिम्मेदार कौन है जो कि लापरवाही के चलते होती है, हरियाणा की आवाज में इस सवाल को आज हमने उठाया। फोन नंबर लगातार हम जो अप्रोच होती है वो मिनिस्ट्री लेवल पर होती है, और ये धन कमाऊ मशीन है, ये तो पैसा जहाँ से आता दिखता है वहाँ ही केयर करते हैं, या फिर बड़े बड़े मिनिस्टरों की देखभाल करते हैं और बड़े बड़े अफसरों की देखभाल करते हैं। किसी आम आदमी को कोई सुविधा इनसे नहीं मिलती थी, और ये तो पैसा कमाने की मशीन है। जिनकी राजनीति में बड़ी बड़ी अप्रोचे होती है तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लगे होते हैं। इनको कोई किसी की जान की परवाह नहीं, किसी के माल की परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं इसे न, इनको तो अपना धन कमाने की परवाह होती है जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया रघुवीर जी आपका। तो साफ तौर पर इनका कहना था कि जिम्मेदारी तो अस्पताल प्रशासन की ही होती है, मैनेजमेंट की होती है और अस्पताल के डॉक्टरों की होती है, लेकिन जिम्मेदारी हकीकत में कोई नहीं लेता है। ताराचंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। ताराचंद जी नमस्कार।
नमस्कार सर जी। जी सर बताएं। सर जी मैं ये आपके चैनल हमेशा देखता रहता हूँ, परसों एमआरआई के बारे में आया था, फिर कल आज आया था डायबिटीज के बारे में। तो इस तरह के रोजाना प्रोग्राम आते हैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। महाराजन जी, जो आज का मुद्दा है, जो अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जिक्र हो रहा था कि वहां पर अस्पतालों में जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, मरीजों को लापरवाही का सामना करना पड़ता है, मौतें वहां पर हो जाती है लापरवाही के चलते, आखिर उसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल लगातार बरकरार है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जो कि अस्पताल प्रशासन अस्पतालों के अंदर होती हैं, जो कि प्रशासन की लापरवाही के चलते होती हैं। तो सवाल हमने यही उठाया है कि आखिर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते आखिर जो मौतें होती हैं उसका जिम्मेदार कौन है। किसी ना किसी को जवाबदेही लेनी होगी, किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन आखिर ये घटनाएं आखिरकार क्यों होती है, कहाँ पर कमी रह जाती है, कहाँ पर लूप होल्स है, क्या सरकार की पॉलिसीज में कहीं दोष है, या फिर अस्पताल प्रशासन जो है उस पॉलिसी को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाता है। लिपापोती कई जगह देखी जाती है और कई जगह पर जिम्मेदारी से बचने का काम किया जाता है और सरकारी महकमे में इस तरीके की लापरवाही होना, सरकारी महकमे में लाल फीताशाही होना, देरी से काम होना, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। लेकिन जब बात जान पर बन आती है, जब बात जिंदगी और मौत की हो, तो वहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार लापरवाही के चलते जो मौतें होती हैं उसका जिम्मेदार कौन है। इसी सवाल को हमने उठाया है। आप फोन कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार तीज हो रहे हैं। सुभाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं। सर जी, ये इनकी जिम्मेवारी हॉस्पिटल प्रशासन वालों की होती है डॉक्टरों की, क्योंकि ये ड्यूटी टाइम पर आता है, कई कई घंटे तक अटेंड नहीं करते ड्यूटी पे जी। पेशेंट कई घंटे लाइन में लगे होते हैं, पर डॉक्टर कोई सीट पर राजी नहीं होता, ना किसी को देखने के लिए तैयार है जी। उनको चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई बंदा जख्मी है या किसी कोई समस्या है कैसी है जी। सुभाष जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार जो पॉलिसीज बनाती है गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, कि उनको सही से सहूलियत मिल पाए सरकारी अस्पतालों में, उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है? सर जी, सरकार पॉलिसी तो बनाती है और मैंने तरीके की फैसिलिटी भी देती है, पर करने वाले तो हमारे डॉक्टर होते हैं ना। पर जब डॉक्टर ही नहीं करेगा तो सरकार भी क्या करेगी इसमें जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका। तो डॉक्टर्स की यहाँ पर लापरवाही होती है, प्रशासन की लापरवाही होती है, सरकार पॉलिसीज तो बनाती है लेकिन उस पॉलिसी के जो लाइन होती है उस लाइन पर नहीं चला जाता है, उस पॉलिसी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते और अस्पताल मैनेजमेंट या फिर या यूं कहें कि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते जो मौतें होती है उसका जिम्मेदार कौन है। राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं। ये जो ये हॉस्पिटल की मौत हुई है इसमें कल्पना चावला कॉलेज में जी, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है जी। और ऐसी जो ये घटना होती है ये डॉक्टरों की लापरवाही से होती है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मौतें होती हैं, ये वो आम जनता है जिनको आप सुन पा रहे हैं, जो कि के बाद हरियाणा की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े उनको हम बता दें कि आज का हमारा सवाल
सरकारी अस्पतालों में दिनों दिन बढ़ती लापरवाही के चलते जो मौतें होती हैं उसको लेकर उठा है कि आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, फोन नंबर हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप बता सकते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है, आपको भी ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, आखिरकार आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। सरकार नए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने का दम भरती है कि उसने इतने अस्पताल खोले हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी तरक्की कर ली है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, लेकिन उन कॉलेजों के खुलने से क्या फायदा कि जब तक वहां पर इलाज ही ठीक ढंग से ना हो पाए, लापरवाही इतनी बरती जाती है, आखिर उनको कब दुरुस्त किया जाएगा, उनको कब दूर किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, करनाल एक 22 जुलाई और एक 29 जुलाई दो दिनों की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग लोगों के साथ लापरवाही यहां पर बरती गई। एक में डिलीवरी करने आई महिला को अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा, और दूसरी तस्वीर में डिलीवरी तो हुई लेकिन बच्चे और माँ दोनों की ही मौत हो गई। तो यहां पर सवाल उन मौत को लेकर के है कि आखिरकार लापरवाही के चलते जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है। तो आपको क्या लगता है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जिक्र यहां पर हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, और जाते हैं ये सुविधाएं, ये सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है आम जनता के लिए, ये स्पष्ट करती है और ये सुनिश्चित करती है कि जो जनता है उसको स्वास्थ्य के मामले में बेहतर सुविधाएं मिल पाएं और दर दर उसको ना भटकना पड़े। लेकिन वहां पर पहुंचकर आम जनता को वो चीजें मुहैया नहीं हो पाती है और इस तरीके की लापरवाहियों का सामना करना पड़ता है जिससे कि मौतें होती हैं। आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है जिसमें 22 जुलाई को डिलीवरी करने आई एक महिला हॉस्पिटल के गेट पर ही डिलीवरी के लिए तड़पती रही, तो दूसरी तस्वीर में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। अस्पताल में किसी की डिलीवरी नहीं होती और जिसकी होती है उसकी मौत हो जाती है।
प्रशासन की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, या फिर सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उसको लेकर के एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए, निगरानी तंत्र भी होना चाहिए, ताकि वो ये देख सके कि आखिरकार डॉक्टर टाइम पर अस्पताल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या फिर ठीक ढंग से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या मरीजों को जो चीजें पर्याप्त मात्रा में मुहैया होनी चाहिए वो मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं, जवाब तलाश। पंकज जुड़ रहा है हमारे साथ फरीदाबाद से। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार मोहन जी। मोहन जी आपको बता दें ये हर जगह यही हाल है हॉस्पिटल का, चाहे कल्पना मेडिकल हॉस्पिटल हो या फरीदाबाद की बात करें, हर जगह यही है। फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ भी मरीजों कई घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं, वहाँ पे कोई किसी तरह से सुनवाई नहीं होती। आला अधिकारी के पास जाए तो वो नहीं सुनते हैं, एक तरह से कहते ढोल मुड़ रवैया प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में यही नजारा है जी।